आज वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सब परिवार पंचकोशी की यात्रा की और यात्रा के दौरान आने वाली दिक्कतों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पंचकोशी यात्रा के बीच पड़ने वाले धर्मशालाओं के अवैध कब्जे को लेकर चर्चा की। कौशल राज शर्मा ने बताया कि सभी पड़ावों के मंदिरों के पुरोहितों से बात कर फीडबैक लिया गया है ताकि पंचकोशी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर कार्य किया जा सके। ये अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में पूरे माह श्रद्धालु लोग पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा करने का कार्यक्रम पहले लगा था लेकिन विद्युत की स्ट्राइक वगैरह होने की वजह से पिछले 15 दिन में नहीं की जा सकी। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जितनी भी रास्ते में सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, मुख्य रूप से जो धर्मशालाएं हैं और धर्मशालाओं में रुकने की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। दूसरा, कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ हो तो उसका भी अभी से हम लोग एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे पंचकोशी मार्ग पे यात्रा के लिए रोड को बहुत चौड़ी करा के आगे डेवलप किया गया, लेकिन अब भी यहाँ का थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी उम्मीद है कि उसको और भी अच्छा किया जा सके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है उसमें जो धर्मशालाएं हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी श्रद्धालुओं की सुविधाएं हैं जिसमें टॉयलेट बाथरूम है, पीने का पानी है, उनको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वही निरीक्षण आज सुबह से चल रहा है। और ये चौथा पड़ाव हमारा सुबह से अब यहाँ पर हम लोग आए हैं और पूरे रास्ते को देखते हुए फीडबैक लेते हुए वहाँ तहसील के लोगों से, ब्लॉक के लोगों से, श्रद्धालुओं से, मंदिर के पुजारियों से और मंदिर को संभालने वाले सब लोगों से हम लोगों ने सारी फीडबैक ली है। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे और आने वाले टाइम में हम लोग इसका जो है और भी डेवलपमेंट करा सकें ताकि यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो मुख्य रूप से यही कार्य है। कार्तिक मास में दोबारा परिक्रमा होगी, तब तक उम्मीद है कि साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था तो वो ठीक कराई जा सके, परंतु आगे शौचालय की या पीने के पानी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी है, ये भविष्य में हम लोग आने वाले एक साल में पूरी कराएंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान पड़ने वाले और अवैध कब्जे वाले धर्मशालाओं को चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिवपुर में पड़ने वाले चौथे धाम पांचों पंडवा मंदिर में सब परिवार जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसमें क्षेत्रीय पर्यटन का बहुत ज्यादा स्कोप है। जो धार्मिक दृष्टि से काशी को देखते हैं और पारंपरिक आसपास के गाँव के लोग, जिलों के लोग जो इस काशी के परिक्रमा के महत्व को जानते हैं, वे लोग आते हैं, खुद अपना सामान लेके साथ साथ चलते हैं, पैदल चलते हैं, खुद सामान बनाते हैं, खाना बनाते हैं और सभी श्रद्धा के साथ इस यात्रा को पूरी करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और जैसे आसपास के जो रिलीजियस लोग हैं, आसपास के जो देशी टूरिज्म जिसको कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें कोई इनकम के सोर्स की बात नहीं है, लेकिन उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी और ज़्यादा दिक्कतों को कम करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, इसको देखने के लिए आगे हम लोग कार्य योजना बनाएंगे और निकट भविष्य में उसको मूर्त रूप हम लोग मौके पे लागू करवाएंगे। अधिकतर धर्मशाले हैं वो प्राइवेट हैं, जो बिल्डिंग है वो काफ़ी श्रद्धालुओं ने, धार्मिक लोगों ने बना के डोनेट की हैं और उन्हीं तरह ये चल भी रही है। साफ सफाई आदि की व्यवस्था तो करा दी जाती है, परंतु कई बार स्वामित्व का इशू आ जाता है। तो इन स्वामित्व के इशू को देखने के लिए हम लोगों ने तीनों तहसीलों में टीम बनाई है। पिछली बार एक शिकायत आई थी कि किसी की रजिस्ट्री यहाँ पर धर्मशाला की रामेश्वरम में करवा ली गई थी, उसी को देखते हुए सभी धर्मशालाओं पर तहसील के लोग भेजे गए और सबके डॉक्यूमेंट निकलवा रहे हैं हम लोग, भूमि के भी और उस बिल्डिंग के भी। तो भविष्य में प्रयास होगा कि किसी प्रकार से इस पर कोई इलीगल कब्जा ना हो सके। कंधवा जैसी जगह में कुछ लोगों ने दुकानें बनानी शुरू कर दी हैं धर्मशाला में, उनको भी हम लोग सारी चीज़ें रिकॉर्ड का व्यवस्थित कराकर, सारा रिकॉर्ड जुटा कर कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं या अवैध कुछ कार्य किए जा रहे हैं तो उसको बंद कराया जा सके, भविष्य में उसको संरक्षित कराया जा सके और इसको और भी सरकारी धन लगा के किसी तरह विकसित कराया जा सके। इस प्रकार के सारे रिकॉर्ड लेके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो और कोई खरीद फरोख्त इसकी इलीगली ना कर सके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।